नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च की तीखी और चटपटी सब्जी। कई बार हमारा दाल और सब्जी खाने को दिल नहीं करता है, और दिल करता है कोई ऐसी तीखी और चटपटी चीज़ खाई जाए जो हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा दे। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ हरी मिर्च की तीखी चटपटी सब्जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम हरी मिर्च की सब्जी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो हरी मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है आधी कटोरी दही। इसी के साथ इसमें आधा चम्मच डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच के करीब ही मैं इसमें नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी थोड़ी सी, और दो चम्मच के करीब मैं इसमें कुटा हुआ धनिया डालूंगी। इसी के साथ इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में डालूंगी मैं आधा चम्मच के करीब अमचूर। और सबसे पहले मैं इन मसालों को अच्छी तरह से दही के साथ मैश कर लूंगी। हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिलाकर रख लेती हूँ। तो घोल हमारा तैयार हो गया है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो सबसे पहले मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, तो इसमें एक बड़ी सा कड़छी के करीब मैं तेल को डाल दूंगी, क्योंकि मिर्चें हैं तो बहुत जल्दी जलने लग जाती हैं, तो तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा। अब मैंने ये 100 ग्राम के करीब हरी मिर्ची ली है, जिसको इस तरह से कट कर लिया है, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और हल्की गैस पर ही अब मैं इस मिर्चों को भूनूंगी, तेज नहीं करूंगी, तेज करूंगी तो ये बहुत जल्दी जलने लग जाएंगी। तो हल्की गैस पर ही मैं इसको अब भूनूंगी। यहाँ मैं इसको ढककर 1 मिनट के करीब पकाऊंगी। तो 1 मिनट के करीब मुझे मिर्चों को पकाते हुए हो गया है, बीच बीच में मैं इसको चलाती रही थी, तो अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो मिर्ची हमारी कहीं से पक जाएंगी और कहीं से कच्ची रह जाएंगी। तो गैस को यहाँ पर हम आस्ता ही रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मिर्ची जो है हमारी हल्की हल्की पकनी शुरू हो गई हैं, मगर अभी भी हम इसको 1 से 1.5 मिनट और पकाएंगे। तो मिर्चों को 3 से 4 मिनट चलाने के बाद मिर्ची जो है हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट होनी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर अब जो दही का मसाला बनाया था वो डाल दूंगी, और इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी। तो सारे मसाले को मिलाने के बाद यहाँ पर मैं हरी मिर्ची को ढक दूंगी, और जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आएगा तब तक मैं इसको पकाऊंगी। तो मिर्ची को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बीच में मैंने इसको 2 से 3 बार चला लिया था, और दही का जो पानी है वो सूखना शुरू हो गया है और तेल ऊपर आने लग गया है, मगर अभी भी मैं इसको 1 से 1.5 मिनट और पकाऊंगी। तो देखिए तेल जो है पूरी तरह से ऊपर आ गया है, तो मिर्ची जो है हमारी अच्छे से पक गई, और दही भी हमारा अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूंगी और इसको एक प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं मिर्चों को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो हमारी हरी मिर्ची की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत तीखी और चटपटी यह सब्जी बनकर तैयार होती है। मैंने यहाँ पर बारीक मिर्च ली है जो तीखी बहुत होती है। आप चाहें तो इसकी जगह पर दूसरी मिर्ची भी ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो। दाल सब्जी हर चीज़ का ये स्वाद बढ़ा देती है मिर्ची की सब्जी, तो आप एक बार इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी बनाई मिर्ची की सब्जी पसंद आई है, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।